मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार को एक और चेतावनी दी है। मंगलवार को पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक जय श्री राम नारे के साथ शुरू हुई। इसमें तय किया गया कि 3 मई को पार्टी राज्यभर में महाआरती का आयोजन करेगी। इसके लिए अभी से पुलिस से अनुमति ली जाएगी। उस दिन अक्षय तृतीया और रमजान ईद है। इसके अलावा 1 मई को औरंगाबाद में होने वाली सार्वजनिक सभा की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कहा गया। साथ ही 5 जून को अयोध्या में रामलला के दर्शन के बारे में विचार विमर्श किया गया। पार्टी के महासचिव वागीश सारस्वत ने बताया कि सभी प्रमुख अधिकारी इस चर्चा में शामिल हुए। पार्टी प्रमुख राज ठाकरे ने सभी को काम पर लग जाने का आदेश दिया। अयोध्या जाने के लिए विशेष वाहनों की व्यवस्था करने के लिए रेल मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। लाउडस्पीकर से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के डीजीपी रजनीश सेठ ने मंगलवार को महाराष्ट्र के सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने इस मुद्दे पर कानून और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। डीजीपी ने सभी अधिकारियों को पुलिस की पूर्व अनुमति के साथ सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच लाउडस्पीकर की अनुमति देने का निर्देश दिया और उन्हें लाउडस्पीकर के उपयोग के साथ साथ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण मानदंडों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा। CEN News देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।